छः महीने पहले आपके पास आए थे जब क्रिएटिनिन लेवल 7.9 था, अभी फिलहाल उनका 6.5 चल रहा है, तो इतने कम समय में इतना फर्क आ गया है। डायलिसिस करा रहे थे जब आए थे? हाँ, डायलिसिस उस टाइम चल रही थी। कितनी बारी करा रहे थे जब 7.9 था उस टाइम? डायलिसिस जब करा रहे थे ट्वाइस एन वीक करा रहे थे। ट्वाइस अ वीक करा रहे थे? कितने टाइम तक कराया था? वन एंड हाफ मंथ कराया था। गाजियाबाद में कहाँ से? मोहन नगर गाजियाबाद से। मोहन नगर में कहाँ से? करेडा कॉलोनी है, एयरफोर्स स्टेशन हिंडन, वहाँ से। तो जब आए थे इनको इंसुलिन वगैरह भी दे थे? हाँ, इंसुलिन भी थे। इंसुलिन भी था, डायलिसिस भी था। शाम को खाना खाने से पहले इंसुलिन दिया करते थे, 8 यूनिट दो बार ले रहे थे। तो अभी ले रहे हैं करंटली इंसुलिन? नहीं, इंसुलिन हमने बंद कर दिया बिल्कुल भी। नियर अबाउट 3 मंथ्स से शुगर नॉर्मल आ रही है, शुगर मॉनिटर कर रहे हैं, 115-110 इस तरह रहती है, सब नॉर्मल है। और ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर भी अंडर कंट्रोल है, 120 से अबव बहुत ही रेयर है, अदरवाइज 120 के नीचे ही रहता है। नीचे ही है पहले, अर्लियर इट वाज ऑन अ हायर साइड। या 160 180। और डायलिसिस भी था उस टाइम पे, और सारे बाकी सारे चीजें। तो अभी डायलिसिस की रिक्वायरमेंट तो इनको ऐसा कुछ लगी नहीं होगी? फिट है बिल्कुल सारे डे टू डे एक्टिविटीज में अपना? जी। किस तरह की कोई स्वेलिंग बॉडी में? स्वेलिंग नहीं है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा कमजोरी है, वो थोड़ा खाने के लिए। दैट्स गोना टेक सम टाइम टू बी डायलिसिस पे। सो हियर इज वन पेशेंट, धर्मवीर सिंह। जब ये आए थे इनका डायलिसिस चल रहा था, डायलिसिस ये करा रहे थे, 2 महीने तक कराया आपने? हाँ जी। 2 महीने तक इन्होंने डायलिसिस कराया, और हफ्ते में दो बार हफ्ते में डायलिसिस ये करा रहे थे। और बीपी और शुगर दोनों चीजें इनको एसोसिएटेड थी। शुगर के लिए इंसुलिन ले रहे थे, और ब्लड प्रेशर जो था वो अनकंट्रोल्ड लेवल्स पर चल रहा था। पिछले 4 महीनों से इन्होंने डायलिसिस नहीं कराया है, डायलिसिस की इनको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी है, एंड द क्रिएटिनिन हैज आल्सो कम डाउन। नॉट ओनली दिस, इसके अलावा इनका जो इंसुलिन ले रहे थे 8-10 यूनिट दिन में 2 बार ले रहे थे, इंसुलिन की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल चल रहा था ड्यूरिंग डायलिसिस एज वेल, अभी ब्लड प्रेशर जो है वो भी कंट्रोल्ड हो चुका है। सो आप देखिए, इनका डायलिसिस था, डायलिसिस अभी इनका बंद हो चुका है, इंसुलिन ले रहे थे शुगर के लिए, शुगर नॉर्मल है, इंसुलिन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो चुका है, मेजर एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल इनके केस में। और हम एक और पेशेंट जिनको डायलिसिस से जरूरत नहीं है, एक और वन मोर पेशेंट फ्री फ्रॉम डायलिसिस। आज देश में तेजी से बढ़ रही है किडनी फेलियर की समस्या। भारत की कुल आबादी में से लगभग 17% लोग किडनी की समस्या से परेशान हैं। हर साल लाखों लोगों को डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट से होकर गुजरना पड़ता है, और लगभग 2 लाख लोग किडनी डिजीज के कारण अपनी जान गंवा बैठते हैं। क्या किडनी की इन समस्याओं का कोई इलाज है? अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से, तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1, प्लॉट नंबर B234, अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 09871712050, 01142644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।